बाथरूम बच्चे का अपहरण कर लिया गया। बच्चों स्कूल वैन में सवार होकर सुबह स्कूल जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए नकाबपोश बदमाश वैन से उतरकर उसे अगवा कर अपने साथ ले गए। बच्चा बोटी से दी रॉयल किड्स स्कूल का छात्र है। चलते मैजिक गाड़ी के ड्राइवर को रोककर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। तो घर से स्कूल जाते वक्त रास्ते में बच्चों को अगवा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंद्रकांत देवांगन, जो गए ज्यादा जानकारी। सर चंद्रकांत, क्या था अपडेट? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि इस मामले में सवेरे 9 बजे के आसपास अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस इस बारे में लगातार तफ्तीश कर रही है। वो आरोपियों की पता साझी, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, सारी चीजें संभाल रही। माता पिता से भी उनके पूछताछ करके थी। पुरानी दुश्मनी की वजह से तो इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया है। पारिवारिक जो उनके पीछे जो रिश्तेदार है, इन सारे मामलों में जानकारी जुटा रहे। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो घटना है दुर्ग जिले के धनोरा ग्राम के आसपास हुई है। और जो गृह मंत्री हैं रामदास साहू जी, उनके घर से वहां से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक 4 साल के बच्चे को आपको अपहरण की घटना को अंजाम मिला, तो सोचा जा सकता है कि यहाँ से जनता की सुरक्षा जो दूर दराज की जनता किस उसमें होगी। क्योंकि गृह मंत्री के घर से 5 किलोमीटर के बीच में एक अपहरण की वारदात को जो अपहरण करता है आसानी से। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ आदिश्वर वास्तवी रोहित झा जी जो गए हैं। झा साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। झा साहब, क्या कुछ लग रहा है कि जो भी आप फर्स्ट प्राइमरी ऑफ फेस में जो भी आप लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस अपहरण के पीछे की क्या वजह हो सकती है? नहीं, अभी हमने प्रारंभिक पूछताछ की है, साथी से भी की है, और विभिन्न दिशाओं में हम जांच अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जी, जिस एरिया से ये किडनैपिंग हुई है वहाँ जाहिर सी बात है आप लोगों ने वहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले होंगे, क्या कुछ निकल के आ रहा है? देखिए, प्रारंभिक स्तर पर हमारी विवेचना चल रही है, अभी कुछ उसमें बताना भी ठीक नहीं होगा। और हम लगातार इसकी अपडेट ले रहे हैं और कर रहे हैं, हमारी ढेर सारी टीमें लगी हुई हैं। जी, हम समझते हैं रोहित जी की, क्योंकि ऑन एयर ये सारी चीजों का उल्लेख करना सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो अपराधी है वो सतर्क हो जाए। हम आपकी भी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि कितनी टीमों का गठन किया गया है और क्या कुछ दिक्कतें आ रही है, क्या आप लोगों को फुल सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, हमें सपोर्ट मिल रहा है, हम जिससे भी मांग रहे हैं वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें पूरे जिले की पुलिस तक। जी, कितना वक्त लग सकता है और परिवार के जो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या स्थिति है? क्योंकि आप सारी बातचीत कर रहे हैं, वो सब हमको बता भी रहे हैं, हमको जो अपडेट चाहिए वो भी दे रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया झा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं चंद्रकांत देवांगन। चंद्रकांत, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि प्रदेश के जो गृह मंत्री है उनके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना को अंजाम दिया गया है। और लगातार जिस जिले में है अपराध के जो रेशियो लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस पर सोचा जा सकता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है जिले में, और पुलिस प्रशासन पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है। क्योंकि एक के बाद एक घटना को अंजाम दिया जाता है, और कभी लूट की वारदात, चोरी, डकैती, हत्या, तमाम अपराध जो है लगातार जिले में बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर एक सवाल उठता है, और सिस्टम पर भी सवाल उठता है कि बच्चे कितने सेफ है, जनता कितनी सेफ है। क्योंकि गृह मंत्री के घर के पास से एक अपहरण जैसी घटना होना, तो निश्चित तौर पर जनता के लिए एक बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिर प्रदेश की जनता कितनी सेफ है। अभी जिस तरह से आपने एडिशनल एसपी रोहित झा को भी सुना है कि ज्यादा कुछ उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि इस दिशा में पुलिस की जांच चल रही है? देखिए, पुलिस उन तमाम पहलुओं की जांच में जुटी हुई है जहां से उनको पता साझी आरोपियों की मिल सके। क्योंकि वो जिस गाड़ी से आए थे, उसकी गाड़ी का नंबर, उस गाड़ी में के लोग किधर गए, तो तमाम जिस स्थान पर पुलिस ने उनके जो जानकारी में सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले, उस आधार उस क्षेत्र के में जहाँ पे घटना हुई वहाँ के जो मोबाइल लोकेशन है इसको पुलिस खंगाले कि वहाँ पे कौन कौन से जो मोबाइल को यूज किया गया उस दौरान,
और आखिर इस घटना के वक्त उस पास आस पास के जो लोग हैं जो जो लोगों को आते जाते एक्टिविटी कर, पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है कि आखिर वो गांव के हैं बाहर के हैं, उनसे जुड़े हुए संबंधी इन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस जांच करे। और एसपी का कहना था कि हम आरोपियों तक जल्दी पहुंच जाएंगे, कोशिश पूरी जा रही है, परिवार की मदद ली जा रही। अब उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि जो जिस बच्चे के संबंध में जो अपहरण हुआ है उस बच्चे के संबंध में अगर किसी को जानकारी मिलता है, कोई संदिग्ध व्यक्ति ऐसे बच्चों के साथ दिखाई देता है, तो पुलिस इस बारे में नंबर जारी करे कि तत्काल पुलिस को सूचना दे ताकि पुलिस जो है जल्द से जल्द आरोपी तक पहुंचे और बच्चे को बचा सके। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चा जो है वो आसानी से बच जाए और उसको संबल से छुड़ा लिया जाए आरोपियों के चंगुल से। तो एक बड़ा सवाल है, ये देखना होगा कि पुलिस इसमें किस तरह कामयाब होती है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।